देश के मेट्रो शहरों के साथ ही टियर टू शहरों के बीच इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड का अंतर तेजी से कम हो रहा है। अनुमान है कि आने वाले समय में मध्य साइज के शहरों में ईवी की बिक्री में जबरदस्त उछाल आ सकता है। ब्लूमबर्ग NEF यानी BNEF के 10 राज्यों के 207 शहरों में किए गए सर्वे से जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसके मुताबिक टियर टू में इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों की बिक्री महानगरों से भी ज्यादा हो रही है। इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में जो इजाफा हो रहा है उसपे इन शहरों ने लीड ली हुई है। कई राज्यों की राजधानियां तो ईवी की बिक्री को बढ़ाने में खास भूमिका भी निभा रही हैं। BNEF के सर्वे के अनुसार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री तो तेजी से बढ़ रही है, लेकिन देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसमें काफी भारी अंतर है। रिपोर्ट के अनुसार टियर वन शहरों का भारत में ईवी डिमांड को बढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन अब टियर टू शहरों में भी इनकी मांग बढ़ रही है। रिपोर्ट में दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक कारों और टू व्हीलर्स को अपनाने की दर दूसरे बड़े शहरों से कहीं ज्यादा है। वहीं विकसित शहरों में ईवी की बिक्री बढ़ने की वजहों में खर्च योग्य आय का बढ़ना, युवा आबादी का होना, ईवी कैब्स में इजाफा होना और ईवी मॉडल के विकल्प बढ़ना शामिल है। लेकिन अब टियर टू शहरों में ईवी की बढ़ती मांग ईवी मैन्युफैक्चरर्स की विस्तार रणनीतियों में इन्हें भी प्रमुखता से शामिल कर सकती हैं। लेकिन छोटे शहरों में ईवी की बिक्री बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरर्स को पॉलिसी सपोर्ट की जरूरत होगी। अगर बात करें ईवी बिक्री बढ़ाने में बड़ा रोल निभाने वाले टियर टू शहरों की, तो इनमें शामिल है राजस्थान की राजधानी जयपुर, जहां पर 2022 के करीब 1000 के मुकाबले ईवी की बिक्री बढ़कर 2400 के पार निकल गई। ये राज्य के 5 मझोले शहरों की कुल ईवी बिक्री से 79% ज्यादा है। हरियाणा के गुरुग्राम में 2023 में करीब 1570 ईवी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2023 में 1120 ईवी और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में पिछले साल 840 ईवी की बिक्री हुई। हालांकि देश के ज्यादातर मझोले शहरों में अभी भी इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनी पकड़ मजबूत करने में समय लगेगा।